Welcome to Ascent Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. Hello, good morning students. आज आपका फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसके आगे कंटिन्यू सेकेंड लेक्चर आज बता रहा हूँ और इसके अंतर्गत आज बतलाना हमें है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल. ठीक है, आज पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा. तो ये डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आप निकालते हैं, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहाँ कहाँ निकालना है, इसका तीन कंडीशन होगा. ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल एंड एट एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, ये निकालना आपका. तो देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, आपने इसके पहले वाले क्लास में पोटेंशियल निकाल, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. ठीक है, जैसे हम ये लिया था कि अगर कोई क्यू चार्ज है, समझिए ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर आप यहाँ पर का पोटेंशियल निकाल लिया था. नहीं, ए पी पॉइंट पर पोटेंशियल यहाँ पर कितना आ गया, तो इस पॉइंट मान ली ये पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पर जो आप पोटेंशियल निकाला था, पोटेंशियल एट पी इसका टू क्या निकाला था, के क्यू बाई आर, इन निकाला था. और यहाँ पर जो साइन क्यू है, ये क्यू को क्या रखना है, साइन के रूप में रखना है. अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन देना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन देना है. मतलब यहाँ चार्ज को विथ साइन लिखना है ना, क्यू यहाँ पर क्या लिखना है, विथ साइन, चार्ज को विथ साइन लिखना था, ये बताया था. ठीक है, और एक चीज ये भी देख लिया था कि आप ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो टर्म पढ़ा था ना, सॉरी ये जो डायपोल का टर्म पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत भी आया गया था, है ना, कि वहाँ पर देखा था कि आपका डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पोजिशन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, किसी पॉइंट पर क्या होगा, ये भी हम लोग निकाला था. तो आप इसके पहले, वो आपका था पहले वाले चैप्टर्स में, अभी हम लोग को पढ़ना है डायपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है. तो पिछले क्लास में यहाँ तक हम बता चुका था कि क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर का पोटेंशियल कितना होता है, तक के क्यू बाई आर, यहाँ तक हम लोग देख चुका था. ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट दें पोटेंशियल ये डायपोल के बारे में जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था. डायपोल क्या होता था ना, कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे आपने लिखा था माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, है ना, ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पर आप डिस्टेंस क्या लिया था, इधर सेंटर से एल, इधर भी सेंटर से एल डिस्टेंस. ठीक है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, तो ये क्या बन गया था, डायपोल को इस तरह से डिफाइन किया था. तो यहाँ पर डायपोल को इसका ये कैसा क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी था, तो इसको रिप्रेजेंट, इसको आपको डायरेक्शन भी दिखाना होगा. तो डायरेक्शन के लिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका जो डायपोल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह से इसका डायपोल का डायरेक्शन होगा. ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड्स होता है पी, डायपोल कैसे लिखते थे, क्यू आई इन टू टू एल, है ना, डिस्टेंस है ना, दोनों सेंटर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या, एल एल क्या, टू एल क्यू इन टू टू एल, और इसका डायरेक्शन था फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुका था, है ना, यहाँ तक जानते थे. ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, ये आधे घंटे का अंतर हो जाएगा. तो चलिए अब एक एक करके इसका मैं पढ़ता हूँ, ये कुछ पीछे का आपको आइडिया बता दिया. तो देखिए फर्स्ट निकालिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, है ना, ये कंडीशन है फर्स्ट में. चलिए अब इसके बारे में देखिए, चलिए समझिए, देखिए मान लीजिए ये डायपोल है. ठीक है,
और ये हो गया आपका माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और इसका मिड पॉइंट हो गया। इसकी डिस्टेंस आप कितना लेता था, एल लेता था। यहाँ पर क्या करिए, ये जो डिस्टेंस आपकी है एल, और इससे एक्स डिस्टेंस क्या निकाल, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, सपोज इससे एक्स डिस्टेंस पर सेंटर से डिस्टेंस लेना है, ये एक्स डिस्टेंस पर ये एक्स मान लीजिए, और आपको यहाँ पर डायपोल निकालना है इस पॉइंट पर, है ना, इस पी पॉइंट पर का ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। यहाँ पर आपको इस डायपोल के कारण यहाँ पर इस पी पॉइंट पर का पोटेंशियल निकालना है। तब पोटेंशियल एट, यहाँ पर क्या लिख देंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा इस डायपोल के कारण। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ये आपका डायपोल है, और इस डायपोल के कारण इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस जो लिया वो क्या पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालिए। देखिए तो अब यहाँ पर ये जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर क्या एक दोनों चार्ज के कारण होगा पोटेंशियल। आप ऐसा करिए, इसको आप मान लीजिए सपोज दैट फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पोटेंशियल डी टू फर्स्ट चार्ज एंड पोटेंशियल डी टू सेकेंड चार्ज, टोटल जो पोटेंशियल होगा उसी कारण होगा। तो यहाँ जो नेट पोटेंशियल होगा कैसे लिखे, पोटेंशियल मीन्स नेट पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल डी टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल डी टू सेकेंड चार्ज, ये हो गया। तो बताइए पोटेंशियल डी टू फर्स्ट चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज में आप ये देखिए यहाँ से क्या निकाल था, के एंड क्यू, चार्ज कितना है माइनस में, माइनस क्यू है ना, के क्यू अब बाई आर। तो यहाँ से आर का डिस्टेंस बताइए, यहाँ से यहाँ तक था एक्स, इधर था एल, क्या लिखे एक्स प्लस एल, क्या लिख सकते हो ये नहीं, प्लस सेकेंड चार्ज के कारण इस पॉइंट पर का पोटेंशियल क्या हो गया, के क्यू एंड बाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आपने लिया था इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है एक्स, ये डिस्टेंस है एल, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया एक्स माइनस एल, क्या लिख सकता हूँ ये एक्स माइनस एल। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल ये हो गया। इसको आप इस तरह लिखिएगा, देखिए तो आप लिख सकते हैं के क्यू बाई एक्स माइनस एल, इधर माइनस हो गया फिर ये के क्यू एक्स प्लस एल, नहीं ये लिख सकते हैं आप, फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल। चलिए अब देखिए इसमें कॉमन क्या निकाल लीजिएगा, ये दोनों में के क्यू निकाल दीजिए के क्यू, तो अब आपका क्या बच जाएगा, के क्यू इसमें कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस एल यहाँ है क्या हो गया एक्स प्लस एल, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस वाला आ जाएगा है ना, तो क्या हो गया माइनस एल और माइनस माइनस प्लस एल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो आप इसको लिखिएगा क्या हो गया पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एट पी, देखिए के क्यू और क्या हो इंटू टू एल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं ये। और आपको मालूम है P इजकल टू क्यू इंटू टू एल, ये भी आपको मालूम था, द पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P है ना, नेट पोटेंशियल एट P इजकल टू K इंटू पी है ना, अब भाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही तो फॉर्म आपका निकल गया पोटेंशियल का। क्या इसका डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं इसका कोई डायरेक्शन नहीं हुआ बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि चार्ज से अवे होगा या टुवर्ड्स चार्ज होगा,
ये तो आपकी एस्केलर क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप निकाल लिए इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा डे टू दिस डाइपोल, निकल गया। और ये जो लेंथ स्मॉल एल जो लेते हैं ना, ये सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, माइक्रोन में होता है, माइक्रो में 10^-6, एंगस्ट्रम में 10^-10, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, तो ये बहुत ज़्यादा ना हो गया इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एल, दिस एल या एक्स इज मच ग्रेटर देन एल, एल से बहुत ही बड़ा होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तब क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पी, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू के पी बाई एक्स स्क्वायर, यही तो हो गया आपका। तो ये एक्सिस ऑफ डायपोल पर जो पोटेंशियल होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, के पी बाई एक्स क्यू एक्स स्क्वायर। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ई जो आया था है ना, वहाँ जो पोटेंशियल निकला था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वहाँ पर डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, के पी टू के पी बाई एक्स क्यू, वहाँ भी निकाला था। चलिए अभी उससे मतलब नहीं, अभी हमको है पोटेंशियल देखना है डे टू डायपोल। चलिए अब इसका रिलेशन अगर हमको दिखाना होगा तो आप दिखा सकते हैं ना, देखिए तो पोटेंशियल एंड एक्स के बीच रिलेशन जो हो गया कैसा हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन होगा नहीं। चलिए नोट करिए, तो ती निकाल दिया कि आपकी पोटेंशियल डायपोल के कारण एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स कितना होगा एक्सिस पे, वो निकाला गया। और इसी का एक और फॉर्म जो आएगा दूसरा, इसको नोट करिए तब फिर दूसरा दिखाता हूँ मैं, बहुत छोटा सा फॉर्म है ये, तुरंत हो जाएगी। ठीक है, हटा दें। चलिए अब आगे देखिए इसका, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। अब दूसरा कंडीशन निकालिए, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल, इसी को कहते हैं इक्वेटोरियल भी, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो चलिए आइए देखिए, अब फिर से निकलते हैं इसमें भी, आइए लीजिए, ये आपने डायपोल लिया, ठीक है, और माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस एंड दैट इज एल एल, जो सेपरेट है इसके मिड पॉइंट से, इसके डिस्टेंस यहां पर हमने लिया था एल, ठीक है, एल डिस्टेंस। इधर भी आपकी डिस्टेंस कितनी है, एल है, ठीक है। अब आप क्या करिए यहां पर, इसके एक्स पॉइंट, एक्स डिस्टेंस पर, ये मिड पॉइंट हो गया, इससे एक्स डिस्टेंस पर यहाँ एक्स, ये पॉइंट सपोज दैट आपका पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर का पोटेंशियल निकालना है डी टू दिस डायपोल। समझा क्या बोला, ये डायपोल हो गया,
द डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर का पोटेंशियल निकालना है। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा इस पी पॉइंट पर डे टू दिस डायपोल, ए निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। तो देखिए तो अब यहां पर आप इधर एल तो इस कंडीशन में देखिए यहां ठीक है, चलिए देखिए अब इस माइनस क्यू चार्ज के इसको मान लीजिए फर्स्ट, फिर इसको मान लीजिए सेकंड, तो पोटेंशियल एट क्या निकलना है पी पॉइंट ड्यू टू दिस टू चार्ज। तो पोटेंशियल नेट पोटेंशियल यहां क्या लिखेंगे, नेट पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल डी टू फर्स्ट चार्ज एंड पोटेंशियल डी टू सेकेंड चार्ज, ये लिखिएगा। ये जो होगा कितने के बराबर होगा, द पोटेंशियल डी टू फर्स्ट एंड पोटेंशियल डी टू सेकेंड चार्ज लिखिएगा ये, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पर आप मिलाइए, देखिए तो इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस इधर एक्स है इधर एल है, तो क्या हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर भी तो डिस्टेंस वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस पॉइंट इस चार्ज के कारण यहाँ पर निकाल रहा हूँ फर्स्ट चार्ज मतलब माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर का पोटेंशियल, चार्ज क्या माइनस है माइनस के क्यू अब आई आर, आर कितना है भाई यहाँ पर अपने एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, ये प्लस चार्ज है प्लस के क्यू, यहाँ भी डिस्टेंस क्या हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस रिजल्टिंग जीरो। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो गया, ये जीरो हो गया। तो नेट पोटेंशियल एट पी कितना हो जाएगा, जीरो हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जीरो हो गया नेट पोटेंशियल, इसको नोट करिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल है ना, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स कितना आ गया, जीरो हो गया, इसको नोट करिए। ठीक है, अब इसका एक यूज करने के लिए बताता हूँ, एक टर्म यहाँ पर इसे क्लियर करता हूँ। एक प्लेन लेता हूँ या एक प्लेट लीजिए विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, मान लीजिए कोई प्लेन है, प्लेन ही लीजिए आप ये, ठीक है, ये डायपोल माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक कोई प्लेन ले लिया गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर एक प्लेन लिया गया, ठीक है। तो बताइए ये दोनों साइड से तो डिस्टेंस सेम रहा, परपेंड इसके मिड पॉइंट पर रखा गया, जैसे ये यहां पर इसके मिड पॉइंट पर यहां पर क्या रख दिया, एक प्लेन रख दिया गया, ठीक है। तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर का पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ये पोटेंशियल यहां पर क्या हो जाएगा जीरो, इसके प्रत्येक पॉइंट पर यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सभी पॉइंट पर का पोटेंशियल जो होगा इस प्लेन के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल के वैल्यू क्या हो गया सेम आ जाएगा, नहीं एंड सेम मतलब जीरो। तो देखिए तो यहां पोटेंशियल क्या हो रहा है, इस प्लेन के प्रत्येक पॉइंट पर का पोटेंशियल कितना आ रहा है जीरो। तो इसी प्लेन का नाम होता है इक्वी पोटेंशियल प्लेन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये कैसा हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस, माने वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू सेम हो जाए, जीरो नहीं सेम, यहाँ तो जीरो आ रहा है मतलब सब जगह सेम है, ठीक है जीरो जीरो सब जगह हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो ही होगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही कहलाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये जो टर्म यहाँ पर हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समझ में आया इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल प्लेन कि वैसा सरफेस वैसा प्लेन जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो जाए।
तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ प्लेन या सरफेस, सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अगर सेम होता हो तो वही कहला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए आपको जरूरत पड़ेगा आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह का, ठीक है, नोट करिए। अच्छा एक और कंडीशन क्या आ गया था पहले आपको था ना, ये पोटेंशियल एक्सिस वाला कंडीशन में पोटेंशियल जो आप निकाला था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू के पी बाई एक्स स्क्वायर, ये निकल गया, एंड पोटेंशियल डी टू डायपोल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कितना आ गया, जीरो, ठीक है, ये दो चीज तो आप निकाल चुका। अब आइए एट एनी पॉइंट, बेटा दिए थर्ड में आप आ जाइए, एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर का पोटेंशियल अब निकाल लीजिए, एट एनी पॉइंट ऑफ डायपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डायपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डायपोल एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। चलिए अब इसका देखें, बस ये कोई अलग अलग फॉर्म नहीं है, वो दो इसका स्पेशल कंडीशन देखा था ना, एक एक्सियल पर एक इक्विटोरियल पोजीशन पर। अब ये कहीं पर भी हो उसके अंतर्गत दोनों आ जाएगा, एक्सियल भी और इक्विटोरियल भी। देखिए कैसे, मान लिया हमने इस तरह कर लिया, देखिए इक्वी डायपोल हो गया आपको माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, ये सेंटर हो गया, समझ लीजिएगा उतना लिख रहा हूं, ये सेंटर हो गया, इसका डिस्टेंस एल और इधर भी डिस्टेंस एल है। अच्छा इसका डायपोल, डायपोल का इधर दिखा सकते हैं ना, ये डायपोल पी है ना, और आपको सपोज इस तरह कर दे हम, डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव और एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स इस पॉइंट पर का आपको सपोज दैट पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पर का, यहां से कितना सेंटर से डिस्टेंस लिया, एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, और ये एंगल ये डायपोल के साथ कितने का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एट ए पॉइंट पी, जहां पर कि इलेक्ट्रिक डायपोल आपको निकालना है, ठीक है, ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकालना है मीन्स पोटेंशियल एट पी पॉइंट ये निकाल देना है इस डायपोल के कारण। तो ऐसा काम करिए ना, इसका एक सिस्टमैटिक ज्योमेट्री के लिए अब इस डायपोल को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दीजिए, ठीक है, डायपोल को इस अब क्या करिए, जैसे डायपोल ही हुआ ना पी, यही समझ ली, ये जो डायपोल दिखा रहे हैं ये क्या है, ये ना हो गया पी डायपोल, अब इस डायपोल को दो कंपोनेंट में तोड़ दीजिए, तो दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे इसको, समझिएगा यही पी दिखा रहा था, ए पी है ना डायपोल जो ऊपर दिखा रहा था, इसको दो कंपोनेंट में, तो इधर क्या हो गया पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, ठीक है, इसको ऐसा कर देता हूं पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये जो होगा इसके परपेंडिकुलर इधर जो बना है ये क्या हो गया पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखिए ये जो पी पॉइंट है जहां पर आपको डायपोल निकालना है, अब ये डायपोल ये जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है,
पी पॉइंट पर, तो उस जगह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे अब दो डायपोल के कारण निकलेगा। पहले तो एक ही डायपोल ना था, अब इस डायपोल को क्या के कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू दिस टू डायपोल, एक पी कॉस थीटा डायपोल के कारण यहाँ पोटेंशियल, एक पी साइन थीटा डायपोल के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकलेगा। समझे क्या बोल रहा हूँ, कि पहले जो हम लोग निकाल रहे थे एक ही डायपोल के कारण ना किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे थे, अब एक सिस्टमैटिक ज्योमेट्री होने के लिए यहाँ पर क्या किया कि इस डायपोल को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। अब दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया डायपोल को, तभी जो पी पॉइंट का पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू दिस टू डायपोल, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, पोटेंशियल एट पी इजकल टू पोटेंशियल डी टू क्या पी कॉस थीटा डायपोल, डी टू पी कॉस थीटा एंड पोटेंशियल डी टू पी साइन थीटा डायपोल, मतलब एक पी साइन थीटा डायपोल एंड पी कॉस थीटा डायपोल के कारण आपका निकलेगा पोटेंशियल। तो आप समझिए तो बी पी, अब आप मिलाइए देखिए, तो ये जो पी पॉइंट है ये पी पॉइंट पी कॉस थीटा मतलब इस डायपोल के लिए, इस डायपोल के लिए ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, इसके एक्सिस में आ रहा है। ये जो पी पॉइंट है इस पी कॉस थीटा के लिए कहाँ पर आ रहा है, उसके एक्सिस में आ रहा है नहीं, और ये पी पॉइंट इस पी साइन थीटा डायपोल के लिए कहाँ आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। देख रहे ये परपेंडिकुलर आ रहा है ये पॉइंट, तो देख रहे पी साइन थीटा, ये पी साइन थीटा डायपोल के लिए ये पी पॉइंट कहाँ आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, और पी कॉस थीटा डायपोल के लिए ये पॉइंट कहाँ आ गया, उसके एक्सिस पर आ गया। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं अब क्या, ये कहाँ पर वाला हो गया डी टू एक्सिस, और ये कहाँ हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, ये जो पी पॉइंट होगा। समझ में आया, तो बताइए एक्सिस वाला का क्या कंडीशन, के पी बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हुआ के पी, तब यहाँ पर कौन सा डायपोल था पी कॉस थीटा, मोमेंटम जो लिया था इलेक्ट्रिक डायपोल जो लिया था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो वैल्यू था ये क्या था पी कॉस थीटा था, अब बाई एक्स स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर में जीरो, तो ये तो निकल गया पोटेंशियल एट पी, इस पी पॉइंट का जो पोटेंशियल हो गया के पी कॉस थीटा अब बाई एक्स स्क्वायर, इन निकल गया आपका। इसी को आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा इस तरह से लिखा रहेगा के का वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा अब बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा रहेगा। अरे एक ही चीज हो गया, ये तो हो गया किसी पॉइंट का निकालने के लिए। तो आपको ये इलेक्ट्रिक डायपोल का एक बहुत छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम तीनों पोजिशन बता दिया कि आपका एक्सिस पर क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डायपोल के कारण, ठीक है, फिर आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का वैल्यू डे टू डायपोल, एंड किसी पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डे टू डायपोल एट एनी पॉइंट, जनरल फॉर्म ही हो गया। अब आप इसमें लगाइए, देखिए ना एक्सिस वाला कंडीशन में, तो जब एक्सिस वाला ले रहे थे तो एक्सिस वाला में क्या देखिए, तो एक्सिस पॉइंट पर का जो ले रहे थे वहां पर क्या आ जाएगा कॉस कितना जीरो, जीरो डिग्री ना जाए एक्सिस पर, और इस पर क्या परपेंडिकुलर में 90 आ गया, परपेंडिकुलर में 90 आ गया कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया जीरो, तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर में जीरो, एक्सिस वाला में क्या हो जाएगा कॉस जीरो वन, तो क्या हो गया पी बाई के पी बाई के पी बाई एक्स स्क्वायर एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। ये छोटा सा लेक्चर था, अब आपका ये पोटेंशियल का निकालने के लिए डायपोल में कैसे निकालते हैं वो बता दिया, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे करें तो